स्टूडेंट अगर कोई आपसे पूछे कि मार्क कि इस मार्कर का क्या लेंथ है, तो हम इस मार्कर की लेंथ को पॉइंट कर सकते हैं। लेट सपोज हमने इस मार्कर की लेंथ को पॉइंट किया और मार्कर का लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर था, तो मार्कर जो है, मार्कर का लेंथ जो है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं कि हर वो चीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं तो वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। तो मार्कर की लेंथ को हमने मेजर किया, तो इस वजह से मार्कर का लेंथ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह स्टूडेंट अगर कोई आपसे पूछे कि मार्कर को मेजर करें, तो मार्कर का मेजरमेंट हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि जब हम मार्कर को मेजर करते हैं तो मार्कर की मेजरमेंट में हमारे पास मार्कर का मास भी आता है, मार्कर का लेंथ भी आता है और मार्कर की वॉल्यूम भी आता है। अब हम मार्कर की लेंथ को पॉइंट करें, मार्कर की मास को पॉइंट करें या मार्कर की वॉल्यूम को पॉइंट करें, वो हमें नहीं पता है, तो इस वजह से ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह स्टूडेंट अगर पी आपसे पूछे कि लाहौर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो लाहौर नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लाहौर में मुख्तलिफ चीज़ है, लाहौर में लोग रहते हैं, लाहौर में घर्ज है, लाहौर में शादी हॉल्स है, लाहौर में रोड्स है, लाहौर में कार्स है। अब हम लाहौर में किस किस चीज़ को पॉइंट करेंगे, तो लाहौर हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह अगर आपसे कोई पूछे कि लाहौर में पॉपुलेशन को पॉइंट करें, तो लाहौर में लोगों की पॉपुलेशन हम पॉइंट कर सकते हैं, तो लाहौर में लोगों की पॉपुलेशन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी है नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके लिए आपने इस टॉपिक को देखना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स। इसके साथ साथ पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट। तो फिजिक्स हमारे पास ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से डिराइव हो चुका है और इसका मीनिंग है नेचर, यानी सिंपल हम फिजिक्स में नेचर को स्टडी करते हैं और इसके लॉज को स्टडी करते हैं। अब मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करता है, स्टार ट्रेवलिंग करता है, ये हमारे पास फिजिक्स है। इस तरह मैं जो बोल रहा हूँ ये हमारे पास फिजिक्स है। जब मैं दरवाज़ा खोद रहा हूँ ये फिजिक्स है। जब मैं सांस ले रहा हूँ तो यहाँ पे फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे लाइफ की जितने भी इवेंट्स है इसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो हम इस वजह से फिजिक्स को कहते हैं कि फिजिक्स हमारे पास द स्टडी ऑफ नेचर है। ठीक है स्टूडेंट, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम फिजिक्स को क्यों कहते हैं कि हमारे पास नेचर का स्टडी है, क्योंकि हमारे लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं, नेचुरल जितने भी इवेंट्स है, आप जो भी चीज़ को देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो इस वजह से हम फिजिक्स को नेचर की स्टडी कहते हैं। अब फिजिक्स में हम नेचर की स्टडी को किस तरह करते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मास, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस। फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम मास को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं, टाइम को स्टडी करते हैं और स्पेस को स्टडी करते हैं। जब किसी चीज़ का मास होता है और स्पेस होता है तो हम इसी चीज़ को मैटर कहते हैं। लेट सपोज ये मार्कर है, इसका एक स्पेसिफिक मास है और इसने एक स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपली हम इसमें मैटर को स्टडी करते हैं। अब इनर्जी को स्टडी करते हैं। इनर्जी क्या है हमारे पास, मैं जब बोल रहा हूँ तो ये हमारे पास साउंड इनर्जी है, क्योंकि इनर्जी हम किसी भी चीज़ के काम करने की सलाहियत को हम इनर्जी कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी काम करने की सलाहियत को हम इनर्जी कहते हैं। तो बोलना एक काम है, मैं हाथ हिला रहा हूँ ये इनर्जी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फिजिक्स हमारे पास मास, इनर्जी, स्पेस और टाइम की स्टडी को कहते हैं। अब मास, स्पेस, इनर्जी का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया, लेकिन टाइम को हम किस तरह स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स के दो ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स और एक है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक साइज बॉडीज स्टडी करते हैं, वो बॉडीज जो लार्ज होते हैं। ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक साइज बॉडीज, लेट सपोज एटम, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, बोसॉन, जितनी भी माइक्रोस्कोपिक साइज पार्टिकल है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम मॉडर्न फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक साइज बॉडी स्टडी करते हैं तो हमारे लिए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से हम फिजिक्स को कहते हैं कि फिजिक्स हमारे फर्स्ट ऑफ मास है, इनर्जी है, टाइम है और स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम फिजिक्स को देखें तो फिजिक्स हमारे पास क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। फिजिक्स हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को पॉइंट करते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी को हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड मेजरमेंट।
जब हम किसी अननाउन चीज को किसी स्टैंडर्ड चीज के साथ कंपेयर करते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे मेजरमेंट कहते हैं, और इस स्टैंडर्ड चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिट कहते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको मेजरमेंट समझाता हूं। आप शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर को आपने बोला कि भाईजान मुझे चावल दे दो, तो आपसे कहेगा कितना चावल दू, कितना चावल दू। इसने आपसे इस वजह से बोला कि कितना चावल दूं, क्योंकि चावल का क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है। भाईजान चावल दो, चावल की क्वांटिटी हम हमारे पास फाइंड नहीं है, ये चावल हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि कितना चावल दूं। लेट सपोज आपने कहा 5 kg चावल दो, 5 kg चावल दो, तो आपने क्या किया, आपने चावल को 5 kg के साथ कंपेयर किया, और मैंने आपको बताया कि ये चावल अननोन क्वांटिटी, इसी वजह से शॉपकीपर ने आपसे पूछा कि भाईजान कितना चावल दूं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा आप शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर से आपने बोला कि मुझे चावल दो, राइस। ठीक है, तो शॉपकीपर ने आपसे कहा कितना चावल दूं, हाउ मच, आपने कहा 5 kg, कितने 5 kg। अब हमारे पास जो राइस है वो कितना है, वो हमारे पास 5 kg है, तो इसका मीनिंग ये है, ये जो राइस है हमारे पास, ये जो राइस है ये 5 times है kg के, मीनिंग ये कि ये जो चावल है ये मास, जो kg हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्टैंडर है, इस स्टैंडर से 5 times हैवी है। अब राइस का क्वांटिटी हमारे पास फाइंड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको मेजरमेंट कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट में हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट में हम अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारे पास केजी है, और इस केजी को हम यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिट। ये पायो क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है या मैथमेटिकल नंबर है, और इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड का लेंथ का हमें पता नहीं है, मैंने यहाँ पे मजन टेप रखा और इसका लेंथ फाइंड किया, इसका लेंथ लेट सपोज हमारे पास 1 meter है, तो ये 1 meter, अब हमें इस व्हाइट बोर्ड का लेंथ फाइंड हो चुका है, इसका मीनिंग ये कि व्हाइट बोर्ड का जो लेंथ है वो हमारे पास 1 meter है, यानी व्हाइट बोर्ड का लेंथ हमारे पास 1 meter के बराबर है, तो अब हमारे पास व्हाइट बोर्ड का मेजरमेंट हो चुका है। तो मेजरमेंट अब आपको समझ में थोड़ा बहुत आ चुका होगा, अब इसको लिख ले, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारे पास स्टूडेंट है फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर मेजर बाई एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल हमारे पास है लेंथ, इस व्हाइट बोर्ड का लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, जी हाँ ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जी हाँ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को हम मेजर कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजर, दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजर इज कॉल्ड नॉट फिजिकल क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी क्या है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम हमारे फीलिंग्स है, फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन अराइज होता है, मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। लेट सपोज अगर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर इस मार्कर का लेंथ मेजर करें, तो मैं इस मार्कर का लेंथ मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि यह ये लेट सपोज मैंने इस मार्कर के लेंथ को मेजर किया, तो मार्कर का लेंथ हमारे पास 6 centimeter था। ठीक है, तो ये मार्कर का लेंथ हमारे पास क्या है, मार्कर का लेंथ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरा दूसरा स्टूडेंट खड़ा हुआ और मुझसे पूछा सर मार्कर की मेजरमेंट कराओ, मार्कर की मेजरमेंट कराओ, तो ये मार्कर की मेजरमेंट जो है ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। मार्कर की मेजरमेंट नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि
इस मार्कर की मास है, इस मार्कर की वॉल्यूम है, इस मार्कर की लेंथ है। अब मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर करूं, इसकी मास को मेजर करूं, इसकी वॉल्यूम को मेजर करूं, क्योंकि स्टूडेंट ने तो सिंपल लिखा है इस मार्कर की मेजरमेंट कराओ। तो मार्कर का मेजरमेंट हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मार्कर की लेंथ का मेजरमेंट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर आपसे पूछे कि लाहौर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो लाहौर हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लाहौर में हमारे पास पीपल्स का पॉपुलेशन है, लाहौर में हमारे पास जो है बहुत सी चीजें है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि लाहौर में पीपल्स जो है पीपल्स का पॉपुलेशन जितने लोग हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो आप बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम पीपल को लोगों को मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाहौर को हम मेजर नहीं कर सकते। लाहौर का एरिया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल ये बताना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इस मार्कर को की लेंथ को मेजर कर करो, तो आप मेजर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस मार्कर को मेजर करो, तो मार्कर की मास को मेजर करूंगा, मार्कर की वॉल्यूम को मेजर करूंगा, मार्कर की लेंथ को मेजर करूंगा, ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह अगर आपसे कोई पूछे कि लाहौर को मेजर करो, तो लाहौर में लोगों का पॉपुलेशन को मेजर करूंगा, ठीक है, लाहौर का एरिया मेजर करूंगा, लाहौर में तो बहुत कुछ है। लेकिन अगर आपसे सिंपल वो कहता है कि लाहौर में फीवल्स का पॉपुलेशन पॉइंट करो, तो आप लाहौर में फीवल्स का पॉपुलेशन पॉइंट कर सकते हैं, और लाहौर में फीवल्स का पॉपुलेशन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब मैंने यहाँ ये कंसेप्ट आपको इसलिए क्लियर करवाया क्योंकि बहुत सी एमसीक्यूज में हमारे पास ये एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज फिजिकल क्वांटिटीज, ऑप्शन ए मोमेंटम, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी टाइम, ऑप्शन डी फाइंड। हमें एक एमसीक्यू दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन है? मोमेंटम। मोमेंटम को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो मोमेंटम हमारे पास मेजर हो सकता है क्योंकि मोमेंटम को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड में मेजर कर सकते हैं। मोमेंटम का सिर्फ हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड पॉइंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मोमेंटम का हम मास भी पॉइंट कर सकते हैं। मोमेंटम का मास नहीं होता, मोमेंटम को हम सिंपली किलोग्राम मीटर पर सेकंड पॉइंट करते हैं। अब मोमेंटम का मास होता है, लेकिन जिस बॉडी का मोमेंटम होता है इसी बॉडी का मास होता है, मोमेंटम का मास नहीं होता। जिस बॉडी की वेलोसिटी होती है, जिस बॉडी का मोमेंटम होता है इसी की वेलोसिटी होती है, मोमेंटम की वेलोसिटी नहीं होती, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम में हम ओनली एंड ओनली किलोग्राम मीटर पर सेकंड पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में हम ओनली एंड ओनली मीटर पर सेकंड पॉइंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी का हम मास भी पॉइंट कर सकते हैं और टाइम भी पॉइंट कर सकते हैं। हाँ, मास पॉइंट कर सकते हैं, टाइम पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है इसकी पॉइंट कर सकते हैं। अब तीसरा हमारे पास है टाइम, तो टाइम हम ओनली ओनली सेकंड पॉइंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम का मास हम टाइम का मास पॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पॉइंट, तो पॉइंट नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि पॉइंट इस वजह से नॉन फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि पॉइंट को हम किसी भी स्कोप से मेजर नहीं कर सकते। भाई ये पॉइंट गलत है, पॉइंट की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी में गौर कर ले, तो बायोलॉजी में हम डीएनए की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो फिर हम पॉइंट क्यों नहीं मेजर कर सकते? पॉइंट को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे सिंपली पूछे पॉइंट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, पॉइंट की मास को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि पॉइंट को मेजर करे, अब पॉइंट का लेंथ भी है, पॉइंट का मास भी है, पॉइंट का वॉल्यूम भी है, मैंने आपको कहा, अब पॉइंट की लेंथ को मेजर करे, पॉइंट की मास को मेजर करे, पॉइंट की वॉल्यूम को मेजर करे, तो इसी वजह से पॉइंट हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि पॉइंट की लेंथ को मेजर करे, हमें ये नहीं कहा कि पॉइंट की मास को मेजर करे, हमें ये नहीं कहा कि पॉइंट की वॉल्यूम को मेजर करे, हमें सिंपल ये कहा कि पॉइंट को मेजर करे। तो स्टूडेंट, अब अगर आप शॉपकीपर के पास गए और आपने शॉपकीपर से कहा कि भाईजान मुझे 10 चावल दो, तो शॉपकीपर आपसे कहेगा 10 ग्राम चावल दू, 10 केजी चावल दू, 10 पाउंड चावल दू,
क्योंकि मेजरमेंट के लिए हमारे पास यूनिट लाजमी होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमारे पास यूनिट और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लाजमी होता है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपने बताया 10, लेकिन इसके साथ यूनिट आपने नहीं बताया, तो यूनिट का बताना हमारे पास लाजमी होता है। तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट लाजमी होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। अब शॉपकीपर ने आपसे मजाक में कहा, आपने शॉपकीपर से कहा पहले कि मुझे 10 केजी चावल दो, तो शॉपकीपर ने आपसे मजाक में कहा कि मैंने आपको 10,000 ग्राम शुगर दिया। अब 10 केजी शुगर और 10,000 ग्राम शुगर दोनों क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1,000 ग्राम 1 केजी के बराबर होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास 1,000 ग्राम यूनिट टेंस 100,000, 1,000 ग्राम 1 केजी के बराबर होता है, तो हमारे पास 10,000 ग्राम 10 केजी के बराबर होगी, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब हम यूनिट को चेंज करते हैं, जब हम यूनिट को चेंज करते हैं तो इससे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होता है, ठीक है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास जो राइस थे वो शुगर में कन्वर्ट हुए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाइड न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और सिंपली ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं या दोनों मल्टीप्लिकेशन में मैं वहाँ पे ले जाता हूँ तो हमारे पास जो यूनिट है वो डिवीजन में जाएगा, कांस्टेंट को अर्थात हटाता हूँ तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगेगा, तो हमारे पास कांस्टेंट को हटाता हूँ तो इक्वलिटी की जगह हमारे पास क्या लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगेगा और हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे जो हमारे एमसीक्यूज होंगे इसके लिए। तो स्टूडेंट इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, डिराइव क्वांटिटीज पढ़ेंगे और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बिल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।